स्टेशन को विकसित करने के उद्देश्य से रेल डीआरएम ने कुमारधुबी रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण। आसनसोल रेल मंडल अंतर्गत झारखंड का पहला रेलवे स्टेशन कुमारधुबी को रेलवे मंत्रालय द्वारा अमृत स्टेशन योजना के तहत चयनित किया गया, जिसको मांडल स्टेशन के रूप में विकसित करना है। यात्रियों के लिए अत्याधुनिक सुविधा के साथ इस स्टेशन का सौंदर्यकरण करना है। इस विषय को लेकर भौतिकी व तकनीकी निरीक्षण करने आसनसोल रेल मंडल के डीआरएम व अन्य विशेषज्ञों की टीम पहुंची और कुमारधुबी स्टेशन के आसपास के क्षेत्रों एवं रेलवे स्टेशन भौतिक निरीक्षण किया। अधिकारियों ने इस रेलवे स्टेशन के मॉडल स्टेशन के रूप में विकसित करने को लेकर अपनी जमीनों का मुआयना भी किया। पत्रकारों को जानकारी देते हुए डीआरएम परमानंद शर्मा ने बताया कि स्टेशन के समीप बसे स्लम क्षेत्र को एक माह के अंदर खाली कराया जाए। वहीं स्टेशन परिसर में वोटिंग रूम, टॉयलेट, वाहन पार्किंग व टेम्पो स्टैंड सहित रेलवे के आय को बढ़ाने के लिए कमर्शियल डेवलपमेंट रेलवे के जमीन पर अवैध अतिक्रमण को भी हटाने का कार्य किया जाएगा। सुगम भारत योजना के तहत यात्रियों के लिए एक्सीलेटर या लिफ्ट की व्यवस्था की जाएगी। यात्रियों के सुविधार्थ जो भी कार्य होगा वो किया जाना है। प्लेटफॉर्म की संख्या को बढ़ाने की बात डीआरएम ने कही। आवश्यकतावश कार्य किया जाएगा, इसी को लेकर तकनीकी निरीक्षण विशेषज्ञों द्वारा की जा रही है। उद्देश्य स्टेशन का निरीक्षण है और सुविधाओं का निरीक्षण है। क्या यहाँ डेवलप देखने मिलेगा यहाँ की जनता को? जो बनेगा वो आप देखेंगे, जनता के उपयोग की सुविधाएं बढ़ेंगी, साफ सुथरी और ब्यूटिफिकेशन होगा और लोगों के आने जाने की सहूलियतें बढ़ेंगी। कई ट्रेनों के भी मांग चल रही है, इंटरसिटी वगैरह। देखिए, ट्रेनों की मांग जैसा कि मैं कई बार पहले भी बोल चुका हूँ, वो रेलवे बोर्ड निर्णय लेता है, तो उस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। जो ट्रेनें रुक रही हैं उनके जो यात्री हैं उनकी सुविधाओं की प्लानिंग करने हम लोग आए हैं।